हेलो एवरीवन, वेलकम टू कुक विद अंजलि। आज मैं आपके साथ बहुत ही बढ़िया सरसों की साग और मक्के की रोटी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ और आप नोट कीजिए इसका इंग्रेडिएंट। सरसों का साग बनाने के लिए सबसे पहले ये सरसों का साग है अबाउट 400 ग्राम, इसको मैंने धो लिया है और बारीक काट कर रखा है। इसके बाद ये पालक 150 ग्राम, इसको भी धोकर काट कर रखा है, और ये धनिया 1 हैंडफुल। ये तीनों को एक साथ कुकर में डाल करके पानी डालकर इसको स्टीम कराएंगे। 2-3 सीटी में ये बॉयल हो जाएगा और उसमें आप चाहे तो हल्का सा नमक भी डाल सकते हैं। इसके बाद सरसों का साग बनाने के लिए और क्या क्या लगता है वो अब मैं आपको बताती हूँ। सरसों और पालक के साग के अलावा ये एक मीडियम साइज का प्याज बारीक कटा हुआ, 3 मीडियम साइज का टमाटर, इसकी मैंने प्योरी बनाकर रखी है, 3 से 4 टेबलस्पून घी, 2 हरी मिर्च बारीक कटा हुआ, 2 टेबलस्पून ये मकई का आटा है, नमक स्वाद के अनुसार, 1 टेबलस्पून जिंजर बारीक कटा हुआ और 2 टेबलस्पून लहसुन की कलियां बारीक कटी हुई, और ये 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। तो चलिए अब हम सरसों, पालक और धनिया पत्ती को कुकर में डालकर बॉईल कर लेंगे। ये देखिए ये बॉईल हो चुका है और बॉईल होने के बाद इसको मैंने मथनी से मैश कर लिया अच्छे से। अब इसके बाद आगे का प्रोसेस करेंगे। पैन को गर्म होने के लिए रखा है, अब इसमें घी डालेंगे। घी जरा गर्म हो जाए उसके बाद इसमें जिंजर और गार्लिक डालेंगे। जिंजर, गार्लिक, 1 मिनट तक इसको पहले पका लेंगे। 1 मिनट बाद इसमें कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे। अगेन इसको 1 मिनट और पकाएंगे। अब हम इसमें बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे और इसे कंटिन्यू 2-3 मिनट तक चलाते रहेंगे। मुझे इसमें घी कम लग रहा है, मैं घी जरा और डालूंगी और कंटिन्यू इसे चलाते रहें जब तक कि ये प्याज जो है गोल्डन ब्राउन कलर का ना हो जाए, तब तक हम प्याज को पकाएंगे। देखिए प्याज अच्छे से भुन गया है और कलर भी अच्छी आ गई है, गोल्डन ब्राउन दिख रहा है। अब मैं इसमें टमाटो की प्यूरी डालूंगी। इसके बाद इसको कंटिन्यू चलाते रहना है 3 से 4 मिनट तक, जब तक कि टमाटर भी अच्छे से पक नहीं जाए। दो मिनट हो गए हैं, टमाटर मेरा अभी पकना स्टार्ट हो गया, लेकिन अभी ये कंप्लीट पूरी तरीके से पका नहीं है। अभी हम इसमें नमक डालेंगे, नमक स्वाद के अनुसार, और ये रेड चिली पाउडर ये ऑप्शनल है, आपको अगर नहीं डालना है तो मत डालिए। और साथ ही साथ इसमें मकई का आटा भी डालेंगे ताकि सब मसाले जो है मेरा एक साथ अच्छे से भून जाए। कंटिन्यू चलाते रहेंगे, सारे मसाले एक साथ अच्छे से मिक्स होकर भून जाने चाहिए जब तक कि इसका फैट सेपरेट ना हो जाए। देखिए मसाला अच्छे से भून गया है, ऑयल जो है ये फैट सेपरेट भी हो रहा है। अब मैं इसमें ये साग डालूंगी। साग डालने के बाद इसको भी कंटिन्यू चलाते रहें जब तक कि ये साग पूरा अच्छे से ड्राई ना हो जाए। आपको अगर ऑथेंटिक स्टाइल में साग बनाना है तो आप हमेशा ये बात ध्यान में रखिए कि कभी भी साग को ब्लेंड मत कीजिए। बॉयल होने के बाद इसको मथनी से जितना अच्छा मैश करेंगे और मसाले फिर डाल करें, जितना अच्छे से आप इसको भूनेंगे साग का टेस्ट उतना ही अच्छा होता है। देखिए साग मेरा हो चुका है, फैट भी जो है वो साइड से सेपरेट हो रहा है और मसाले भी सब अच्छे से मिक्स हो गए हैं और पूरी तरह से ये ड्राई हो चुका है। सरसों का साग मेरा रेडी है।
मक्के की रोटी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक बाउल में 2 कप मकई का आटा लिया है और इसमें ज़रा सा नमक डाली हूँ। इसके बाद वार्म वाटर धीरे धीरे डालकर इसका डो बनाएंगे। धीरे धीरे पानी डालिए और इसको मसल मसल कर एकदम से इसका चिकना डो बनाएंगे। मक्के की रोटी बनाने के लिए जब हम इसका आटा लगाते हैं तब आप इसको जितना अपने हाथों से मसलेंगे आटा उतना ही चिकना बनेगा, तभी रोटी अच्छी बनती है और फटेंगे भी नहीं तो आटा अगर चिकना नहीं रहा तो रोटी नहीं बनती है और जब उसको आप पकाने जाएंगे तवा पर तो वो रोटी फट जाता है। तो इसको अच्छे से 8 से 10 मिनट तक खूब अच्छे से इसको मसलिए ताकि इसका डो एकदम चिकना बने। डो मेरा रेडी हो गया है लेकिन अभी ये और होगा, ये चिकना नहीं है। तो इसको अब मैं क्या करूँगी कि इस पर डालकर आटे को और तब इसको हाथों से ऐसे से पूरा मसलूँगी ताकि मसल मसल के जो है ये एकदम चिकना हो जाए। डो मेरा रेडी है कि नहीं रोटी बनाने के लिए, ये चेक करने के लिए ऐसे एक बॉल्स ले करके उसको आप हाथ में दबा दबा कर ऐसे चिकना करें। अगर ये साइड से ये फट नहीं रहा है, इसमें दरारें नहीं आ रही है, तो ये जो डो रेडी हो गया है रोटी बनाने के लिए। तो देखिए मेरा साइड से एकदम चिकना है, कहीं पर भी कोई दरारें नहीं है, तो ये परफेक्ट डो है। अब मैं इसका रोटी बनाऊंगी। आप इसको हाथ में ही हल्का हल्का पानी लगा करके और इसको बीच से प्रेस करते हुए इसको बढ़ाते जाइए और जितना पतला हो सकता है, एकदम रोटी की तरह तो ये पतला नहीं बनता है लेकिन आप जितना कर सकते हैं उतना पतला कीजिए। चारों ओर से दबा दबा के इसको बढ़ाते जाइए दोनों हाथों के बीच में रख करके। हाथ पे रख करके अगर आप ऐसे मकई का रोटी नहीं बना सकते हैं तो एक और मैं आपको सिंपल तरीका दिखाती हूँ। एल्युमिनियम का फॉइल ले और उस पर हल्का पानी लगाएं और उस पर रख कर आप अपने दोनों हाथों से ऐसे ऐसे बढ़ाते जाए। एल्युमिनियम फॉइल पर ये रोटी जो है चिपकता नहीं है और इसको दबाते हुए चारों ओर से रोटी का साइज बढ़ाए। देखिए एकदम चिकना है, साइड से फटा नहीं है, दरारे भी नहीं है और इतना ही मुझे मोटा चाहिए। तवा गरम हो गया है, अब मैं रोटी जो है उसको धीरे से निकाल लूँगी। देखिए और इसको मीडियम हीट पर इसको रखूँगी। ये कम आंच पर ही धीरे धीरे मकई का रोटी जो है वो पकता है। देखिए धीमी आंच पर मक्के की रोटी जो है मेरा पक रहा है। धीरे से पहले साइड से देखिए चिपका तो नहीं है ना नीचे से, तब आप इसको धीरे से पलट दीजिए। अक्सर लोग मेरे से पूछते हैं कि मकई का रोटी जो है बनाने में बहुत मुश्किल होता है और वो टूट जाते हैं। इसका कारण यह है कि सबसे पहले तो आपको डो जब आप लगाते हैं तो उसको जितना अच्छे से मसल मसल के चिकना डो लगाएंगे कभी भी रोटी जो है वो टूटेगा नहीं। देखिए दोनों साइड से देखिए बिल्कुल दरारें नहीं आई हैं। दोनों साइड से ये हल्का हल्का पक चुका है। अब इसमें ज़रा घी लगा देंगे। ये देखिए मक्के की रोटी जो है मेरी रेडी हो गई है। ये ऊपर हल्के हल्के ये ब्राउन कलर आ चुके हैं, तो ये रोटी रेडी है, पक चुका है।
अब मैं इसे निकाल लूंगी। मक्के की रोटी को आप सरसों के साग के साथ में सर्व कीजिए, बहुत अच्छा लगता है ये दोनों कॉम्बिनेशन। बहुत ही आसान तरीके के साथ मैंने यह रेसिपी आपके साथ शेयर की है, उम्मीद करती हूँ कि आपको ज़रूर पसंद आएगा। मेरी रेसिपी को फॉलो करते हुए आप भी इसे अपने घर पर बनाइए और अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर कीजिए। साथ ही साथ लाइक और कमेंट भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।